आप छोड़िए, हम देख लेंगे आखिर किस पर भड़के खरगी, किसे देख लेने की दी चेतावनी। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की हार का मामला। हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद राज्य का सियासी पारा बेहद गर्म है। मामला तो अब यहां तक पहुंच चुका है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने देख लेने तक की चेतावनी दे डाली है। खड़गे से जब इस मामले में सवाल किया गया तो उन्होंने साफ तौर पर कह डाला कि हम सबको देख लेंगे, आप छोड़िए। खड़गे के इस बयान के क्या मायने लगाए जाएं? क्या हरियाणा की हार पर खड़गे इतना भड़के हुए हैं कि उन्होंने ऐसा बयान दे डाला है, या बात कुछ और ही है? चलिए पहले मल्लिकार्जुन खड़गे का वो बयान भी सुन लेते हैं, जिससे काफी कुछ साफ हो जाएगा कि खड़गे ने ऐसा क्यों कहा है। हरियाणा में जो हुआ वो घटना के बारे में हम मीटिंग ले रहे हैं और रिपोर्ट मंगा रहे हैं। रिपोर्ट आने के बाद वो खुल जाएगा क्या करना है, कैसा हुआ, क्योंकि पूरा देश बोल रहा था कि कांग्रेस जीतेगी, बीजेपी के लीडर्स भी जीत रहे थे, जीत रही कांग्रेस बोल रहे थे, और सब लोग बोलने के बावजूद भी ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कांग्रेस को हराए, इंडिया अलायंस को साथ में नहीं लेके चला, ऐसा वहाँ नहीं है ना। देखो इंडिया अलायंस जा है वाले, अब कश्मीर जम्मू में अलायंस है, वहाँ हरियाणा में ऐसा कोई नहीं था कोई अलायंस वाले। एक हमारे साथ कम्युनिस्ट वाले थे, कम्युनिस्ट को हमने दिया था, ऐसा कुछ नहीं। देखो जीते तो क्रेडिट लेने वाले बहुत लोग हैं, अगर हार हो गई तो क्रिटिसाइज करने वाले बहुत लोग हैं, वो छोड़ दो, हम देख लेंगे सब मिलके। जाहिर है जब सभी लोगों ने आकलन कर लिया हो कि जीत किसकी होनी है और उसकी हार हो जाए तो कई सवाल उठेंगे। कांग्रेस के साथ ऐसा ही कुछ हुआ, केवल खड़गे ही नहीं, कांग्रेस का हर कोई हरियाणा के रिजल्ट को देखकर चकित हो उठा। उसके बाद ईवीएम पर भी सवाल उठे। कांग्रेस ने यहां तक कह डाला था कि चुनाव आयोग को वो इस मामले से अवगत कराएंगे। कई कांग्रेसी नेताओं ने तो सीधे तौर पर बीजेपी पर वोटों की घपलेबाजी के आरोप भी लगा दिए थे। वहीं सोशल मीडिया पर भी कई ऐसी तस्वीरें वायरल होने लगी थी जिसमें ईवीएम में गड़बड़ी होने की बातें दिख रही थी। फिर भी चुनाव आयोग की तरफ से इन सभी मामलों पर कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया गया है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या हरियाणा के चुनाव में भारी गड़बड़ी वाकई में हुई थी या फिर ये केवल एक भ्रम फैलाने का मामला है। लेकिन जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में एनसी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव जीते हैं, बीजेपी वाले इसी का उदाहरण देकर ईवीएम में गड़बड़ी होने की बात करने वालों का माखौल उड़ा रहे हैं। बहरहाल हरियाणा चुनाव में जीत हार का फैसला तो हो चुका है, हो सकता है हरियाणा में सैनिक सरकार ही रिपीट हो, लेकिन कांग्रेस की बेचैनी भी लाजमी है और खड़गे का गुस्सा भी जायज है, क्योंकि जब शक की सुई चुभी है तो उसका इलाज भी जरूर होना चाहिए। इस खबर में बस इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।